हेलो फ्रेंड्स अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल आई होप आप सभी मैकबेथ के बारे में जानते हैं तभी आज के ऐसे क्वेश्चंस को समझ पाएंगे मैकबेथ अ ग्रेट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर मैकबेथ का वीडियो हमने कवर किया है रिसेंटली अगर नहीं जानते तो उस वीडियो को देखिए और हम अब से ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं मैकबेथ के लिए तो क्वेश्चन नंबर वन हम आज कवर करेंगे एंड द टॉपिक इज सुपर नेचुरल इन मैकबेथ लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि आप मैकबेथ को अच्छे से समझ लीजिए मैकबेथ वैसे तो सभी इस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एट प्रेजेंट आई एम टेलिंग अबाउट जेपीएससी कोर्स ये सभी प्ले लिस्ट हैं जो कि जेपीएससी सेल्फ प्रेपरेशन के लिए आपको बहुत काम आएंगी एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट द पी डी एफ यू कैन कनेक्ट अस थ्रू टेलीग्राम और इवन व्हाट्सएप ये सारा कोर्स है जेपीएससी का जिसके लाइव सेशंस भी कंडक्ट किए जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री डेफिनेशन कॉम्प्रीहेंशन ग्रामर हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर ऑलमोस्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ कॉम्प्लीशन फिक्शन एंड ड्रामा पोएट्री प्रोज ऐसे तो लगभग सभी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट हैं है कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं पाइपलाइन में हैं कुछ टॉपिक्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं पर ये प्लेलिस्ट आप देखते रहिए देखना शुरू करिए फॉर योर हेल्प आई कैन टेल कि आप हिस्ट्री से शुरुआत करिए हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इस प्ले लिस्ट से शुरुआत करिए देखने की इस प्ले लिस्ट को पूरे कॉम्बिनेशन को तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा दिस वन इज कंप्लीटेड दिस वन इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन पोएट्री इज कंप्लीटेड प्रोज इज कंप्लीटेड एंड पोइट्री डेफिनेशन इज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन तो बहुत सारी कंप्लीट प्लेलिस्ट्स हैं जिनको मैंने टिक किया है या तो वो कंप्लीट हैं या फिर ऑन द वर्ज़ ऑफ कंप्लीशन है उनकी हेल्प से आपको बहुत फायदा होगा अपने एग्जामिनेशन में किसी भी टेक्स्ट से आप लोग कोई भी ऐसे क्वेश्चन लिख रहे हैं अपने एग्जाम्स में तो सबसे पहले टेक्स्ट की इंट्रोडक्शन दीजिए डू नॉट यू नो डायरेक्टली जम्प टू दैट विल लुक वेरी व्यड तो मैकपेट की इंट्रोडक्शन दीजिए इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी थोड़ा बहुत आप मैकपेट uh, के बारे में भी जानते हैं तो so, थोड़ा सा थीम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कब पब्लिश हुई थी किसने लिखी थी कैन रिकॉल समथिंग अबाउट विलियम शेक्सपियर दैट ऑल्सो यू शुड राइट अब हमारा क्वेश्चन है सुपर नैचुरल से रिलेटेड द सुपर नैचुरल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैकपेट टू वट एक्सटेंट डज इट मोटिवेट मैकबेट एक्शन

शेक्सपियर वॉज वेरी फाउंड ऑफ एडिंग सुपर नैचुरल एलिमेंट्स टू हिज प्लेस चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो ट्रेजिडी हो हेमलेट में भी इंक्लूड किया उन्होंने मैकबेथ में भी और मिड समर नाइट स्ट्रीम में भी तो स्टोरीज जिसमें भी जिसमें भी सुपर एलिमेंट होते हैं गोस्ट होते हैं विचेज होती हैं और गोस्ट और विचेज तो हमारी क्रिश्चियनिटी में हमेशा से एग्जिस्टिंग रही हैं फोकलोर टेल्स में व नैकुलर बिलीव में लेजेंडरी स्टोरीज में हमेशा से इंडिया में भी हम लोग भूतों की कहानियां सुनते आए हैं अपने पेरेंट्स से अपने ग्रैंड पेरेंट्स से गोस्ट एंड विच इज फैसिनेटेड एंड एट द सेम टाइम्स केयर मेनी पीपल अराउंड दी वर्ल्ड तो मजा बहुत आता है हॉरर मूवीज़ देखने में लेकिन साथ ही साथ डर भी लगता है आइडिया ऑफ आफ्टर लाइफ वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर कि मर के कोई वापस आ सकता है या फिर आ, मरे हुए लोगों की स्पिरिट हमसे बात कर सकती है द अनोन बट एट द सेम टाइम अम्यूज मेनी पीपल तो वो जो स्केड जिस चीज से हम लोग डरते थे वो अननोन तो होता ही था लेकिन कहीं ना कहीं उसके सुपर नेचुरल एलिमेंट की वजह से एक तरीके की अम्यूजमेंट भी होती थी एलिजाबेथन और जेकोबियन एरा में इस तरीके के प्लेस काफी पॉपुलर रहे हैं मैकबेथ बाय शेक्सपियर अब आप अपने टॉपिक की तरफ आइए तो मैकबेथ को तो मेंशन करेंगे सबसे ज्यादा सुपर चार्ज्ड प्ले है साथ ही साथ छोटा सा रेफरेंस आप हेमलेट का और मिड समर का दे दीजिए जरूर और फिर मैकबेथ के बारे में और ज्यादा बताना शुरू करिए तो मैकबेथ के बारे में आप क्या बताएंगे तो सबसे पहले मैकबेथ और बैंको को एक भविष्यवाणी दी जाती है बाय द थ्री विचेस वो थ्री विचेस अपने आप में सुपर है और जब मैकबेथ उन विचे से इंस्पायर होकर किंग डंकन का मर्डर करने वाले होते हैं तो उन्हें डेगर नजर आती है सुनाई देती इट सीटली हॉन्टेड तो ये हॉन्ट होना डेगर का नजर आना ये सब कुछ भी सुपर एलिमेंट्स के अंदर ही आता है सुपरनेचुरल ही है जो मोटिवेट करता है मैकबेथ को कॉम्प्रीहेंसिवली टू एक्सटेंड द मर्डर ऑफ डंकन किंग किंग को अब मार दिया जाए, जल्दी जल्दी से जल्दी मुझे किंग बनना है, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था बैंको एंड मैकड फैमिली सभी को मार देते हैं वो धीरे धीरे इट प्रोवोक्स टू डू थिंग्स दैट अदरवाइज ही हैव थॉट वेडिक्यूल तो हम पढ़ रहे हैं कि सुपर नेचुरल का इंपैक्ट क्या होता है मैकपेथ के एक्शंस पर अदरवाइज़ मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही फेथफुल रहते किंग के लिए अगर विचिस की तरफ से उन्हें एक लालच ना दिया जाता कि नेक्स्ट किंग आप बनेंगे वो नेक्स्ट किंग बनना ही था अगर विचिस की प्रॉफिसी पर धीरे धीरे बिलीव कर लिया जाता कि ठीक है नेक्स्ट किंग मुझे बनना है तो लेट किंग डांकन डाई नेचुरली ऐसा भी हो सकता था लेकिन जिस तरीके से विचेस ने प्रडिक्ट किया कि आप तो नेक्स्ट किंग बनेंगे लेकिन आपकी फोर्दर जेनरेशन नहीं बनेगी नेक्स्ट किंग तो उस मैडनेस में भी कैप्टन किलिंग ऑल रेस्ट ऑफ द पीपल बैंकों के बारे में प्रिडिक्ट किया था विचेस ने कि बैंकों के बच्चे फोर्दर किंग बनेंगे बैंको मैगड सबको धीरे 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 मारते चले जाते हैं इन द मैडनेस ऑफ हिस एम्बिशन बेसिकली सो सुपर नेचुरल डेफिनेटली प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मोटिवेटिंग मैकबेथ्स एक्शन इन द प्ले मैकबेथ

काफ़ी पैरानॉइड फील करते हैं रूटलेस बिहेव करते हैं देर इट कैन बी आर्ग्यूड इट कैन बी सेड दैट सुपर फोर्सेस फोर्सेज एट प्ले इन द प्ले हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मैकबेट्स एक्शंस एंड मैकबेट्स डिसीजंस एंड में आप इस तरीके का कंक्लूजन दे सकते हैं जो कुछ भी आप पढ़ते हैं ना कहीं से भी किसी बुक से मुझसे या किसी भी और मेंटर से आपको समझना चाहिए वर्ड टू वर्ड ना तो याद रखने की जरूरत होती है ना ही याद रखना चाहिए बींग्यूमन तो इस इन सब पॉइंट्स को समझिए बेसिकली आप कैसे एंड कर सकते हैं ईच ऑफ द इंस्टेंसेस ऑफ द सुपर नैचुरल इन मैकबेथ कॉज एक्शन और आर द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन तो जो कोई भी सुपर है कोई ना कोई एक्शन होता है उनकी वजह से

उसके बाद से और सुपर नेचुरल इवेंट्स एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू दिल्यूसिनेशन ऑफ मैकबेथ होनी शुरू हो जाती विन मैकबैथ मोर्डर्स बेंको बेंकोसोस्ट हॉन्ट्स मैकबेथ और जब वो हॉन्ट होना शुरू करते हैं ही कीप्स ऑन किलिंग एवरी तब उन्हें लगता है कि हर कोई मुझे हॉन्ट कर रहा है हर कोई मेरे आसपास का जो पर्सन है मेरे लिए रिलायबल नहीं है एंड इन दैट स्प्री ही कीप्स ऑन किलिंग एवरी वन अराउंड हिम ट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कॉमेंट ऐसे ही और वीडियोज अभी हम करते रहेंगे मैकबेद के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ऐसे क्वेश्चंस आने की चांस है तो मैकबेथ के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट कोट्स भी कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी यू कैन कनेक्ट विद अस टू और ऑनलाइन क्लासेस फॉर ऑल दी दर्सेज मैं यू कैन कनेक्ट ईदर विद व्हाट्सएप और विद हेल्प ऑफ टेलीग्राम अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर valuable feedback in the form of comments.